सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ईमॉल की तरफ, मतलब चांदनी चौक की तरफ। एंड वहाँ पे जा रहे हैं बिकॉज मेरे एक दोस्त का आज हार्ड डिस्क लेने जाना है क्योंकि उसका लैपटॉप खराब हो गया है। तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बना ले, तो चलिए जल्द। सो गाइस, अभी हम लोग हैं दक्षिणेश्वर ब्रिज। थोड़ा भगाते हैं गाड़ी को। अभी हम लोग का बहुत फेमस ब्रिज बन चुका है, पहले इतना कोई नहीं जानता था लेकिन अभी बहुत जन जान चुका है। ब्रिज का खासियत यही है गाइस कि मतलब कि बीच से ट्रेन जाते हैं एंड दो साइड से व्हीकल्स, तो इसलिए ये बहुत चर्चे में रहता है ये ब्रिज। एंड कंपैरेटिवली बहुत ही ट्रैफिक कम होता है यहाँ पे। जब ट्रेन जाता है ना गाइस, पूरा शेक होता है ब्रिज एकदम। एंड इसी जगह बहुत सारे मामू लोग भी खड़े होते हैं, वो सब देख के पहचान जाते हैं कि हाँ भाई, इसके पास लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका गाड़ी अच्छा है, ठीक ठीक ठाक नहीं होगा, पेपर्स क्लियर नहीं होगा, सब उन लोग को ही पकड़ता है। मेरे पास सब कुछ क्लियर है लेकिन आज तक मुझे गाइस पकड़ा ही नहीं कोई पुलिस वाला, क्या बोले। अब दादा तो चाहिए ना धान की काका, छूटे छूटे लो लॉरीटा उड़िए भी। तो কিনতে আসিনি রে বাড়া। मेरे को गाइस पूछ रहा था ये क्या है हेलमेट में, मैंने बोला एस जे कैमरा। अरे गाइस, मेरे को ध्यान ही नहीं था यहाँ पे, तो भाई स्पीड कैमरा गाइस ऑनलाइन केस भेज देगा गाड़ी के ऊपर। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट 50 दिखा रहा था, मैं तो 110 में था, क्या होगा हम लोगों का। असल में गाइस रोड इतना अच्छा है ना,
एंड दो बोलो। जगह इतना स्पेस है, इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और ये गाइस एक सिग्नल पे मुझे मतलब खड़ा होना नहीं पड़ा, नहीं तो इतने बार इतना नहीं सिग्नल पे तो खड़ा होना भाई पड़ा देखिए ना, पता क्या क्या बोलूँ। रहता मतलब सिटी राइडिंग में यही एक डिसएडवांटेज है कि हर एक सिग्नल पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छा जगह गाइस देखो, मतलब पूरा यहाँ इसकी एक टाइम तो ग्राउंड ही ग्राउंड, मैदानेर पाट रे। ग्रीनरी ग्रीनरी हर तरफ पेड़, बहुत अच्छा लगता है ऐसा। मतलब कभी कभी सिटी राइडिंग भी करना चाहिए गाइस। ये है हम लोगों का द 42 गाइस, सबसे बड़ा बिल्डिंग कोलकाता का, शायद आप लोगों को नज़र आया होगा थोड़ा सा ही। यहाँ पे बहुत जन पार्क में बैठते हैं, बहुत सारे घोड़े भी होते हैं यहाँ पे। देखो कुछ लोग घुड़सवारी भी करते हैं यहाँ पे। इनका इस सामने देखो, सामने क्या है ये देखो गाइस, कितना सारा, अरे बाप रे बाप। मैं बहुत बार देखा हूँ लेकिन कभी बैठा नहीं हूँ इसमें, एक बार बैठना पड़ेगा। एंड गाइस ये रहा हम लोगों का विद्यासागर सेतु, मतलब हम लोगों के राइट साइड में है हावड़ा ब्रिज, एंड ये है सेकंड ब्रिज जो कि विद्यासागर सेतु है। वो तो ब्रिटिश, हावड़ा ब्रिज जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था, एंड ये तो चंद कुछ साल हुए हैं गाइस। लेकिन मुझे सबसे अच्छा हावड़ा ब्रिज ही लगता है गाइस, कुछ भी बोलो। अभी घर लौटने का समय आ चुका है, अभी घर की तरफ ही जा रहे हैं। हो सकता था तो हम जहाँ जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से जा सकते थे, लेकिन सोचा कि चलो इधर से जाते हैं कोना एक्सप्रेस वे पकड़ के, तो हम बोले चलो भाई। इधर तो उतना आना जाना नहीं रहता है, आज संडे था इसलिए आने का इच्छा हुआ। एंड बहुत दिन मतलब कि सिटी राइडिंग भी नहीं हुआ, हर समय तो भाई नहीं तो NH2, ज़्यादातर NH2 में जाते हैं, नहीं तो NH6 कभी कभार, सिटी राइडिंग एकदम भी नहीं करते। तो सोचा कि चलो भाई सुबह सुबह ही निकलते हैं, शाम तक आ जाएंगे। एंड आज दिन भी बहुत अच्छा गया गाइस, आई होप वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्योंकि ये चैनल में फर्स्ट एक सिटी राइडिंग का वीडियो है। अभी ख़त्म हुआ ब्रिज, गाइस सीरियसली, गाइस सीरियसली, मतलब कि गाइस एंड में एक लैम्बो एंड एक फरारी देखने को मिल गया, एंड जो साउंड था गाइस, सीरियसली गाइस मुड़ मुड़ के देखा, एंड मुंह से एक स्लैंग भी निकल गया, सॉरी गाइस फॉर दैट। लेकिन सीरियसली आज का दिन बन गया, बहुत ही अच्छा लगा सिटी राइडिंग करके, एंड लास्टली ये सब देखने में भी, तो बहुत बहुत बहुत। सो मिलते हैं एक और एक नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।